हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, और ये सब कुछ लुसेंट की बुक से लिया गया है। ये लुसेंट का न्यू एडिशन है 2020 का, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे 2021 तक, इसमें तो 2018 तक दिया हुआ है लुसेंट की बुक में, न्यू एडिशन है ये, 2018 तक इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम 2021 तक पढ़ेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा 2018 के बाद में, ठीक है। इसी वीडियो में बताऊंगा सब कुछ। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार सारा का सारा इसमें ले लिया गया है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपये, ये याद कर लेना, 11 लाख रुपये, और किसके लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया। ज्ञानपीठ के सूत्रों ने बताया कि अंग्रेजी को 3 साल पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अब पढ़ते हैं 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला था, किसके लिए मिला था, आडा कुजाई इनकी कृति है, आडा कुजाई, जो कि मलयालम भाषा में है। 1966 मिला था ताराशंकर बंदोपाध्याय को, 1966 मिला था ताराशंकर बंदोपाध्याय को गणदेव बंगला के लिए, गणदेवता के लिए मिला था इनको, जो कि बंगला भाषा में है। 1966 ताराशंकर बंदोपाध्याय गणदेवता के लिए बंगला। 1967 मिला था के वी पुटप्पा हुआ उमाशंकर जोशी, और इनको मिला था रामायण दर्शनम, जो कि कन्नड़ भाषा में, निथित जो कि गुजराती भाषा में, के वी पुटप्पा हुआ उमाशंकर जोशी को। सन याद कर लेना, सन याद करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए वीडियो को 2 बार 3 बार जितने बार हो देखिएगा, पॉज करके रट लिए, पॉज करके भी आप इसको रट सकते हो। 1967 के वी कुटप्पा व उमाशंकर जोशी 1967। और 1968 मिला था सुमित्रानंदन पंत, किसके लिए मिला था, चितंबरा उनकी कृति है, जो कि हिंदी भाषा में। और 1969 मिला था फिराक गोरखपुरी, गुल ए नगमा उर्दू भाषा में। 1970 मिला था विश्वनाथ सत्यनारायण, इनकी कृति है श्रीमद् रामायण कल्प वृक्षम, जो कि तेलुगु भाषा में। 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण श्रीमद् रामायण कल्प वृक्षम, जो कि तेलुगु भाषा में। 1971 विष्णु डे, स्मृति सता भविष्यत, जो कि बंगला भाषा में। 1972 रामदीन सिंह दिनकर, 1972 रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए मिला था हिंदी भाषा में। 1972 रामधन सिंह दिनकर, सन जरूर याद कर लेना, बहुत जरूरी है। 1973 मिला था गोपीनाथ मोहंती एवं डी आर बेंद्रे, किसके लिए मिला था, माली मटाल, गोपीनाथ मोहंती को मिला था माली मटाल के लिए। और चार तार जो कि कन्नड़ भाषा में, ये मिला था आर बेंद्रे। 1974 मिला था विष्णु सखा खांडेकर ययाति को मिला था, जो कि मराठी भाषा में। 1974 विष्णु सखा खांडेकर। 1975 ए वी अकिलंदम, 1975 अकिलंदम पिचत्तर, चित्पावन के लिए मिला था तमिल भाषा में ये। 1976 श्रीमती आशापूर्णा देवी, प्रतिश्रुति, जो कि बंगला भाषा में। 1977 डॉक्टर के शिवराम कारंत, इनको मिला था मुखजिया कनसुगुल के लिए, जो कि कन्नड़ भाषा में। देखिए मेरा काम है आपको एकदम रटवाना अच्छे से। 1978 डॉक्टर सचिनानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, 1978 में मिला था डॉक्टर सचिनानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, और किस लिए मिला था, कितनी नावों में कितनी बार इनके लिए इनको मिला था। और 1977 डॉक्टर के शिवराम कारंत, मुखजिया कनसुगुल के लिए मिला था।
1979 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, 1979 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, मृत्युंजय असमिया। 1980 मिला था एस के पोटकट, इनको मिला था 1980 में, किसके लिए मिला था? ओरू देसाती ने कथा के लिए 1980 एस के पोटकट। 1981 मिला था अमृता प्रीतम, कागज़ थे कैनवास पंजाबी भाषा के लिए। 1982 माधव वर्मा यामा हिंदी साहित्य के लिए मिला था इनको, 1982 माधव वर्मा यामा हिंदी। 1983 वेंकटेश आयंगर 1983 वेंकटेश आयंगर चिकवीर राजेंद्र के लिए मिला था इनको। 1984 तक्सी शिवशंकर पिल्लई। और इनको मिला था कायर के लिए मलयालम। 1985 पन्नालाल पटेल मान विनी भवानी गुजराती। 1985 पन्नालाल पटेल पिचासी पन्नालाल ऐसे याद हो जाएगा, पिचासी पन्नालाल। और किन के लिए मिला था पन्नालाल को? मान विनी भवाई, जो कि गुजराती भाषा में। और 1986 सच्चिदानंद राउत राय उड़ीसा साहित्य के लिए। 1987 विष्णु वामन सिर वोडकर 1987 विष्णु वामन सिर वोडकर मराठी साहित्य। 1988 डॉक्टर सी नारायण रेड्डी तेलुगु साहित्य के लिए। 1988 डॉक्टर सी नारायण रेड्डी तेलुगु साहित्य के लिए। 1989 कुरतरतुल एन हैदर उर्दू साहित्य के लिए। तो 1990 मिला था विनायक कृष्ण गोकाक 1990 मिला था विनायक कृष्ण गोकाक, नवासी कुरतरतुल ऐसे याद कर लेना, नवासी कुरतरतुल। 1990 विनायक कृष्ण गोकाक कन्नड़ साहित्य। 1991 सुभाष मुखोपाध्याय बांग्ला साहित्य के लिए। 1992 नरेश मेहता हिंदी साहित्य के लिए। 1992 नरेश मेहता हिंदी साहित्य के लिए। 1993 डॉक्टर सीताकांत महापात्रा उड़ीसा साहित्य के लिए। 1993 डॉक्टर सीताकांत महापात्रा उड़ीसा साहित्य के लिए। 1994 प्रोफेसर यू आर राव कन्नड़ साहित्य के लिए। 94 प्रोफेसर यू आर राव कन्नड़ साहित्य के लिए। 95 एम टी वासुदेवन नायर मलयालम साहित्य के लिए। 1996 श्रीमती महाश्वेता देवी 1996 श्वेता देवी जिनको बांग्ला साहित्य के लिए मिला था। 1996 श्रीमती महाश्वेता देवी बांग्ला साहित्य के लिए। 97 अली सरदार जाफरी उर्दू साहित्य के लिए। 1998 गिरीश कर्नाड कन्नड़ साहित्य के लिए मिला था इनको। 99 विमल वर्मा व गुरुदयाल सिंह 1999 विमल वर्मा व गुरुदयाल सिंह को मिला था हिंदी एवं पंजाबी साहित्य के लिए। और 2000 मिला था इंदिरा गोस्वामी को असमिया साहित्य के लिए। 2000 मिला था इंदिरा गोस्वामी को असमिया साहित्य के लिए। 2001 में मिला था राजेश केशव लाल सां को गुजराती साहित्य के लिए। और 2002 मिला था डी जयकांतन तमिल साहित्य के लिए। 2003 मिला था किसको? विंदा करंदीकर 2003 विंदा करंदीकर मराठी साहित्य के लिए। 2004 रहमान राही कश्मीर साहित्य के लिए। 2005 कुंवर नारायण हिंदी साहित्य के लिए। 2006 रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री 2006 रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री याद आएगा, रविंद्र केलकर भी याद आएगा। 2006 रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है अगर आपने 3 बार देख लिया तो ये याद हो जाएगा, ये वीडियो आपको 2-3 बार जरूर देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा ये। 2006 रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री कोंकणी एवं संस्कृत साहित्य के लिए मिला था इनको। 2007
ओ एन वी कुरूप, मलयालम साहित्य मिला था। ओ एन वी कुरूप किस साहित्य संबंधित है? मलयालम साहित्य। 2008 मिला था। आठ अकलाक मोहम्मद खान और शहरयार, जो कि उर्दू साहित्य। और 2009 अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल, हिंदी कथाकार। 2010 चंद्रशेखर कंवर, 2010 चंद्रशेखर कंवर कन्नड़ साहित्य। 2011 प्रतिभारे, उड़ीसा साहित्य, पाकुद रालू। 2011 प्रतिभारे। 2012 मिला था डॉक्टर राबुरी भारद्वाज, 2012 राबुरी भारद्वाज तेलुगु साहित्य के लिए, 2012 डॉक्टर राबुरी भारद्वाज तेलुगु साहित्य के लिए। 2013 मिला था केदारनाथ सिंह, 2013 केदारनाथ सिंह हिंदी साहित्य के लिए। 2014 बालचंद्र नेमाड़े मराठी साहित्य के लिए, 2015 रघुवीर चौधरी गुजराती साहित्य के लिए। और 2016 मिला था शंख घोष, जो कि बंगला साहित्य मिला था। और 2017 मिला था कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य के लिए, 2018 मिला था अमिताभ घोष को, 2018 बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य के लिए, 2018 अमिताभ घोष अंग्रेजी साहित्य के लिए मिला था, 2018 अमिताभ घोष बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के लिए अमिताभ घोष को मिला था 2018 में, अमिताभ घोष 2018 मिला था इनको, 2018 अंग्रेजी साहित्य के लिए, जरूर याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 2019 में मिला था 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये, और ये किसको मिला था? 2019 में मिला था अक्कीतम अच्युतम नंबदिरी, जो कि मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। और ये लास्ट था, इसके बाद 2020-21 कोरोना वायरस के कारण नहीं मिला, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।